महादेव की प्रेरणा से महादेवी शक्ति ने शुंभ निशुंभ रक्त बीज महिषासुर दुर्गमासुर जैसी विनाशक शक्तियों का अंत किया। ओंकारेश्वर शिव की प्रेरणा से ही श्री हरि विष्णु ने हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप जैसी विध्वंसक शक्तियों को मृत्यु प्रदान की। इस संपूर्ण चराचर विश्व को विश्वनाथ शिव से ही गति प्राप्त है। समय का काल चक्र भी शिवेच्छा से ही अपनी धुरी पर नाचता है। एक ओर जहां समस्त संसार सतयुग की प्रेरक घटनाओं से आनंदित होकर उत्सुकता से नवयुग त्रेता की प्रतीक्षा कर रहा है, वहीं कैलाश पर नवयुग त्रेता का शुभारंभ हो रहा है। ओम नमः शिवाय, 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 देवाधिदेव महादेव की जय। चराचरपति भगवान भोलेनाथ की जय। कैलाशपति शिव शंकर की जय। कैलाश स्वामिनी पार्वती आज दिखाई नहीं पड़ रही है नंदी। भगवान माता, क्या बात है नंदी, तुमने हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। आज प्रातः से ही माता अत्यधिक गंभीर है, वे आपकी नियमित पूजा के लिए भी कक्ष से बाहर नहीं निकली। मेरा तो ये पूछने का साहस भी नहीं हुआ भोलेनाथ कि वे आपकी सेवा में क्यों नहीं आई। पार्वती की गंभीरता को देखकर जब गणों के अध्यक्ष नंदी को कुछ पूछने का साहस नहीं हुआ तो ये साहस कौन करेगा। शिव के गणों में इतना भी साहस नहीं कि वो अपनी स्वामिनी की गंभीरता का कारण जान सके, किंतु हमें तो देवी पार्वती की गंभीरता का पता लगाने का साहस करना ही पड़ेगा। शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती की गंभीरता किसी नवीन घटनाक्रम का संकेत दे रही है। जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, जय शिव शंकर। पार्वती, शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती, आज तुम्हारी इस मौन गंभीरता का क्या कुछ विशेष कारण है। हमें ज्ञात है देवी पार्वती, तुम यही सोच रही हो कि जब हमें कण कण का ज्ञान है तो तुम्हारे मन की बात हमें कैसे ज्ञात नहीं। तुम शक्ति स्वरूपा हो देवी पार्वती, एक श्रेष्ठ नारी के समस्त गुणों से तुम विभूषित हो। ज्ञात है पार्वती, नारी का एक विशेष गुण होता है नारी के मन का रहस्य। नारी के मन के रहस्यात्मकता समझने में विधाता भी भूल कर बैठता है। इस कारण तुम ऐसा मान लो देवी पार्वती कि आज हम भूल कर बैठे हैं, हमें वास्तव में तुम्हारी मौन गंभीरता का कारण ज्ञात नहीं। नारी के मन का रहस्य समझने में विधाता अवश्य भूल कर सकता है, किंतु आप नहीं। कारण? इस सृष्टि के समस्त कारणों के कारण तो आप हैं। इसी कारण आप भूल करें ये असंभव है, किंतु ये निश्चित है कि आज मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगी।
क्योंकि मैं कुछ कहकर आपके सम्मुख समस्या उत्पन्न करने की इच्छुक नहीं हूँ। तुम कुछ कहो या ना कहो पार्वती, किंतु तुम्हारी गंभीरता भविष्य के घटनाक्रमों का स्पष्ट संकेत दे रही है। और जहां तक तुम्हारी समस्या का प्रश्न है, तो तुम्हारी हर समस्या का समाधान है गगन विहार। ऐसा हमने कई बार अनुभव किया है कि गगन विहार करते समय तुम्हारा मन आनंदित हो जाता है। चलो गगन विहार कर हम तुम्हारे मन का रहस्य ज्ञात करें और तुम अपनी मौन गंभीरता से मुक्ति पाकर प्रसन्न हो। जैसी आपकी आज्ञा। हमने वो सभी कुछ देखा जो तुमने अभी अभी देखा। इच्छा ना होते हुए भी कह रहा हूं कि तुम्हारे नारी मन का रहस्य भी हमसे अज्ञात नहीं है। आपने क्या ज्ञात किया स्वामी? वो सभी विचार जो तुम्हारे मन को उद्विग्न कर मौन रहने पर विवश कर रहे हैं। कौन से विचार? शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती, अब तुमने अपना मौन व्रत तोड़ दिया है। अब तुम्हें अपने मन का रहस्य अपने ही शब्दों में कहना पड़ेगा। कहो क्या इच्छा है तुम्हारी? स्वामी, कब तक मुझे कैलाश के हिम पाषाणों के बीच तपस्विनी की भांति रहना होगा? क्या मेरे जीवन में आनंद का कोई मूल्य नहीं? क्या मेरी कल्पनाएं कभी साकार नहीं होंगी? क्या मेरी आकांक्षाएं प्रारंभ से ही उद्देश्य विहीन है? नाथ कहते हैं, आप तीनों लोकों के स्वामी हैं, विश्वनाथ हैं, किंतु आप एक तपस्वी की भांति जीवन जीकर मुझे भी ऐश्वर्य और सुख भोग से वंचित रखने के इच्छुक हैं। श्री हरि विष्णु का वैकुंठ, श्री ब्रह्मदेव का ब्रह्मलोक, देवराज इंद्र का स्वर्गलोक इस संसार के समस्त ऐश्वर्य तथा सुख साधनों से परिपूर्ण है। फिर मुझे क्यों पाषाण कंदरा में जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है?
स्वामी, उत्तर दे। ऐसा प्रतीत होता है कि पर्वतराज हिमालय की राजकन्या रहकर भी महलों की भव्यता, मोहकता, ऐश्वर्य और सुख भोग से तुम्हारा मन संतुष्ट नहीं हुआ। पार्वती, तुमने क्या सोचकर हम जैसे भभूतधारी वैरागी से विवाह करने का हठ ठाना था? क्यों हमें प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी? क्या यह सत्य नहीं कि महलों की लालसा अब भी तुम्हारे मन में शेष है? इस सत्य को मैं स्वीकार नहीं कर सकती स्वामी, किंतु क्या विश्वनाथ का महलों में रहकर ऐश्वर्य से सुख भोग करते हुए जीवन व्यतीत करना अनुचित है? हाँ देवी पार्वती, विश्वनाथ के लिए ऐश्वर्य और सुख भोग अनुचित है। किंतु क्यों? क्योंकि इस सृष्टि के प्रथम दिन से ये संसार हमें त्याग, तपस्या, वैराग्य और ध्यान का मूर्तिमान आदर्श मानता है। उस दिन का स्मरण करो पार्वती, जब संसार समुद्र मंथन से निकले बहुमूल्य रत्नों को पाकर प्रसन्न हो रहा था, किंतु तुम्हारा शिव हलाहल विष को कंठ में धारण कर संतुष्ट हो गया। तुम उस दिन को भी नहीं भुला सकती पार्वती, जिस दिन स्वर्ग से पतित पावनी गंगा पृथ्वीवासियों को मोक्ष प्रदान करने अपनी तीव्र गति से पृथ्वी लोक की ओर चली, तब पृथ्वी पाताल के रसातल में ना पहुंच जाए, इस कारण हमने उसे अपनी जटाओं में धारण कर लिया। आपका हर कार्य आदरणीय है, पूजनीय है। आपके त्याग, तपस्या और वैराग्य पर मुझे गर्व है। आपको पति रूप में पाकर मुझ दासी का जीवन सफल हो गया। वास्तव में मेरी अब कोई इच्छा शेष नहीं है, किंतु किंतु क्या देवी पार्वती? किंतु मनोरंजन तथा परिवर्तन की दृष्टि से मेरा विचार अनुचित तो नहीं है ना? प्रश्न यदि परिवर्तन तथा मनोरंजन का ही है तो हमें कोई आपत्ति नहीं, किंतु तुम्हारा विचार ईर्ष्यावश उत्पन्न हुआ है। ईर्ष्यावश? हाँ पार्वती, बैकुंठ लोक, ब्रह्म लोक और स्वर्ग लोक को देखकर ही तुम्हारे मन में महलों में रहने का विचार जन्मा है। विचारों के इस प्रेरणा को ईर्ष्या का नाम ही दिया जाएगा पार्वती, किंतु इसमें दोष तुम्हारा नहीं है, दोष है इस नवयुग के परिवर्तन का। अर्थात? हाँ पार्वती, सत्ययुग के पश्चात अब त्रेता युग प्रारंभ हो रहा है। इस युग में पुण्य के साथ ही पाप भी अपनी उपस्थिति दिखाएगा। पाप और ईर्ष्या का परिणाम शुभ नहीं होता। संसार के मन में मंगलकारी, कल्याणकारी, शुभ विचारों के आदर्श को जगाने वाले शिव की पत्नी अशुभ परिणामों से भयभीत क्यों हो? यदि ऐसा है तो हम तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण करेंगे, किंतु इच्छा पूर्ति पर परिणाम के विषय में हमें दोष न देना। मैं आपको दोष देने का साहस कर भी कैसे सकती हूँ स्वामी, किंतु क्या ये सत्य है कि आप मेरी इच्छा पूर्ण करेंगे? अवश्य। कहो क्या इच्छा है तुम्हारी? मेरी इच्छा है कि किसी एकांत द्वीप पर हमारी भव्य स्वर्ण नगरी हो। उस स्वर्ण महल के बीचों बीच हमारे अति भव्य स्वर्ण प्रासाद में आप त्याग, तपस्या और वैराग्य को छोड़कर एक कल्पनाशील प्रेमी की भांति मेरे साथ जीवन व्यतीत करें। उस प्रेममय रसपूर्ण वातावरण में रहकर इस संसार की समस्त चिंताएं हम भूल जाएं। तुम जिस कल्पना लोक में खो गई हो, हम उसे अभी प्रकट किए देते हैं। ¶¶
धन्य है स्वामी, महान है। आपका ये निर्माण मेरी कल्पना का साकार स्वरूप है। आपने मेरी इच्छा पूर्ण कर मुझे धन्य कर दिया स्वामी। चलें, वहाँ चलकर निवास करें। देवी पार्वती, जिस प्रकार शक्ति के बिना शिव शव है, उसी प्रकार शिवगणों के बिना शिव अपूर्ण है। उन्हें यहाँ बुला लेना ही उचित होगा। जैसी आपकी इच्छा स्वामी।